तो अब जो है पौधे लग रहे हैं, इंशाल्लाह अब ये पौधों से कवर हो जाएगा पूरा। देखें ये सारे पौधे लगे हुए लाइन से दूंगा। चलो 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 चलो, नहीं उतरना, नहीं उतरना नहीं है। चलो 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 चलो, नहीं उतरना नहीं। आपने बिठा दिया गुल्लू को सामने और ये आया उड़ के, चेक करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों अभी ना हम लोगों ने अपने कबूतर वगैरह खोले हुए थे, नीचे गए हुए थे, अभी मैं ऊपर आया हूँ तो अपनी जो है ना एक कबूतरी थी, हम लोगों ने पर वगैरह खोले थे उसके, तो वो कबूतरी मैं देख रहा हूँ उड़ रही है काफी ज्यादा ऊपर ऊपर में। हालांकि हमने नहीं उड़ाया उसको, पता नहीं खुद ही से उड़ गई है, चील का वो डरा के उड़ा दिया होगा। और कोई तो कबूतर हमारा नहीं उड़ रहा, बाकी के सारे छत पे ही बैठे हुए। वो कबूतरी हमने नई नई खोली थी और हमने उसको छेड़ा भी नहीं था, मतलब वो पता नहीं कैसे अभी खुद ही उड़ गई, बहुत ऊपर ऊपर में उड़ रही और आगे आगे भी जा रही है। तो अभी जो है ना देखते हैं वो आती है नहीं आती। गाना वाना डाल रहे थे लेकिन वो है ना इस साइड पे आ नहीं रही। तो अभी फैसल उस्ताद भी आए हुए हैं, चेक करें पीछे, फैसल उस्ताद भी आए हुए। तो अभी गोलू को भी निकाला है और जो है ना अभी भोलू को भी मैं निकालूंगा। तो आज जो है ना दोनों की ट्रेनिंग कराएंगे पीछे नदी में जाके। तो अभी दोनों को निकालते हैं, भोलू को निकालता हूँ, फैसल उस्ताद ने गोलू को तो निकाल लिया। तो गोलू की जो है ना आज ट्राई होने वाली है नदी पे फुल खुले एरिया में, तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स देता है, आता है फैसल उस्ताद के पास या तो फिर कंफ्यूज रहता है। तो पहला दिन होगा आज, तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स करता है। तो अभी जल्दी से भोलू को भी निकालता हूँ, फिर वहाँ पे जाके आपको दिखाएंगे ट्रेनिंग, भोलू को भी और गोलू की भी आपको दिखाएंगे। भोलू भी जो है ना काफी टाइम से नहीं उड़ रही है, देखें ये आया और किधर चला गया, दीवार में चला गया, काफी अच्छा उड़ने लग गया, अभी काफी अच्छा उड़ने लग गया, बिल्कुल ना उड़ उड़ के आ रहा है, समझ ले तीसरी गली में ना अभी गिरा देगा, तीसरी दो की दो तो आ गई है इसकी, तीसरी गिरा देगा। तो ये देखें ये आ गया पीछे फैसल उस्ताद के, आवाज पे आ रहे तो अभी इसको लेके जाएंगे, क्योंकि आवाज पे जो है ना कबूतर का आना लाजमी है, तभी इसको बाहर ले जा सकते, वरना बाहर नहीं ले जा सकते। तो अब जो है ना भोलू को भी निकालता हूँ और वहाँ पे जाके आपको दोनों की ट्रेनिंग दिखाते हैं। अभी आ चुके हम लोग नदी पे, तो अभी भोलू को तो यहाँ की ट्रेनिंग लगी हुई है, भोलू तो यहाँ से कहीं नहीं जाती, तो गोलू की ट्रेनिंग देखनी है, गोलू कहीं जाता है या तो फिर पास पास में आता है फैसल उस्ताद के। तो बताओ क्या लगता है तुम्हें, आएगा या नहीं आएगा? फर्स्ट ट्रायल ले रहे, देखो खुले आसमान पे, तो देखते हैं आता है नहीं आता। फिलहाल गोलू को किधर बिठाएंगे सामने और थोड़ा सा दूर खड़े हो जाएंगे, तो देखते हैं आता है नहीं आता। अगर नहीं आया, अगर इधर उधर निकल गया, तो हमारे पास जो है ना रिकवर करने के लिए भोलू है, भोलू को उड़ाएंगे डायरेक्ट से, ताकि वो जो है ना भोलू को देख के आ जाए, या भोलू को थोड़ा बहुत फड़काएंगे, फिर जो है ना आपको भोलू को भी उड़ा के दिखाएंगे आज। तो हवा काफी ज्यादा तेज चल रही है, पहले तो आपको मैं उड़ा के दिखाता हूँ भोलू को। बोली जाओ, ये भी काफी टाइम से उड़ी नहीं है, देखें वापसी आ रही है, इतना सा छोड़ा है मैंने और उड़ी नहीं। जाओ, ये चली गई, वो चली गई भोली। और फैसल उस्ताद देखें गोलू को वार्म अप करा रहे हैं अभी फिलहाल, थोड़ा बहुत खाना वाना खिला रहे हैं। भोली जाओ उड़ो, किधर बैठ रही हो तुम्हें, इतनी जल्दी बैठ रही हो, देखें कितनी जल्दी बैठ गई, पता नहीं अभी क्यों इतना जल्दी बैठ रही है, क्योंकि काफी टाइम से इसको उड़ाया नहीं, इसलिए ही बैठ रही होगी। तो अब जो है ना इसको यहाँ पे वापसी देर ट्रेनिंग कराएंगे रोज रोज, तो फिर जो है ना सही से उड़ना शुरू हो जाएगी। अभी देखें कितना कम उड़ी थी। और फैसल उस्ताद ने गोलू को नीचे छोड़ दिया है, तो देखते हैं गोलू जाता है नहीं जाता, मट्टी खा रहा है ये तो यहाँ पे, हाँ मट्टी का काफी ज्यादा इशू है, वो देखें मट्टी खा रहा है, वो जमीन पे छोड़ा है तुमने भी, किसी ब्लॉक ब्लॉक पे छोड़ो ताकि ये मट्टी ना खा पाए, किसी सही जगह पे छोड़ो फिर आएगा तुम्हारे पास। अभी फर्स्ट डे उसका और वो देखें वो मट्टी खा रहा है नीचे से, फैसल उस्ताद को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। तो ऐसे तो नहीं ट्रेन होगा ये, इसको किसी साफ जगह पे छोड़ना पड़ेगा ताकि इसको मट्टी वट्टी का कोई इशू ना हो, ये मट्टी ना खाए, तुम्हारे पे फोकस करे और वापसी उड़ के आए तुम्हारे पास। हाँ फुल देखें वो देखें मस्तियों में लगा हुआ है, लेकिन नीचे छोड़ रहे हैं तो मट्टी खा रहे हैं। तो अभी इसको कोई जगह ढूंढो ताकि वो ब्लाक ब्लाक के पास छोड़ो। फिलहाल नदी में आपको दिखाता हूँ, काम चल रहा है माशाल्लाह से, तरक्की आती काम चल रहा है नदी में। आगे देखें पूरी जगह में ना पौधे पौधे लग रहे हैं, अभी देखें ये कितना गंद हो रहा है। तो अब जो है ना ये भी देखें सारी खुदाई वगैरह हुई हुई है, तो जो है ना यहाँ पे भी इंशाल्लाह सारे पौधे वौधे लगेंगे, तो जो है आगे जाके जंगल बनेगा, मैन मेड जंगल बना रहे हैं इस जगह को पूरा। तो ये जगह जो है अभी बिल्कुल थोड़ी छोड़ी हुई है, बाकी आगे पूरे पौधे लग गए, मैं आपको जाके भी दिखाऊंगा वहाँ पे। तो मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है पौधे वौधे देख के, मेरे को वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और हम जो है यहाँ पे रोज आते भी अपने कबूतर उड़ाने, तो जो है ना वीडियोस भी बनाते थे हम, बहुत ज़्यादा गंदी जगह थी। तो अब जो है ना पौधे, वो आया फैसल उस्ताद के पास आया, वो चेक करें आया, तो चलते हैं फैसल उस्ताद के पास। फैसल उस्ताद ने जगह ढूंढ ली है, वहाँ पे उड़ के भी आ रहा है फैसल उस्ताद के पास, चलते हैं। फैसल उस्ताद ने बिठा तो दिया देखें सामने और कितना करीब खड़े हुए उसके, लेकिन वो फिर भी ना फैसल उस्ताद को थोड़ा बहुत इग्नोर कर रहे हैं। फर्स्ट डे स्टार्टिंग में होता है ऐसा, और ये चला गया, चेक करें, थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ता है। वो सोचते है वो पहले के जाऊं नहीं जाऊं, वो मट्टी वगैरह खा रहे, क्योंकि यहाँ पे मट्टी के अलावा है ही नहीं कुछ और।
और जो है ना ये इसीलिए ना थोड़ा बहुत सोच रहा था, तो फैसल उस्ताद ने इंतजार किया, वो खुद ही आ गया फैसल उस्ताद के, अभी फीडिंग वीडिंग करा रहे हैं उसको। तो गोलू की ट्रेनिंग देखें सही चल रही है, लेकिन अभी तो वो नीचे गिर गया, वो देखें फिटिंग कराते कराते नीचे गिर गया बेचारा। तो बोली को भी अभी उड़ाता हूँ, बोली को भी आपको उड़ा के दिखाता हूँ दोबारा से, अभी तो बहुत थोड़ा थोड़ा उड़ रही है। फैसल उस्ताद ने दोबारा बैठा और इस बार देखें कैसा फौरन से आया, हवा बहुत तेज है, नीचे गिर रहा है बेचारा, इतने ज्यादा पर चला नहीं पा रहा हो। तो बोली भी देखें इसीलिए हवा की वजह से ना ज्यादा उड़ नहीं रही थी, तो इसको दोबारा से उड़ाते हैं। हवा आपको कैमरे में भी आ रही होगी, जाओ जाओ चलो जाओ बोली, वो देखें यहीं भी रुक गई हवा से, वो चली गई, जाओ। सीटी भी लेकर आए इसके लिए, तो सीटी मार के इसको उड़ाएंगे। ये देखें गोलू फैसल उस्ताद के पास जा रहे, तो गोलू भी इंशाल्लाह भोलू के साथ साथ उड़ेगा जैसे पहले छोटू उड़ता था। तो देखें अभी भोली तो आ रही है मेरे पास, चल रहा हूँ मेरे साथ साथ चल रही है, चलो 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 रुकना नहीं है रुकना नहीं है, चलो आ जाओ 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 आ जाओ, चलो चलती रहो चलती रहो, जगह बहुत उबड़ खाबड़ है, कहीं मैं ही ना गिर जाऊँ चलते चलते। तो मैं रुक गया, इसको उतार लिया मैंने, तो जो है ना इसकी वीडियो बनाने के बाद इसकी सही से ट्रेनिंग कराएंगे ताकि ये पहले की तरह फुल उड़े 10-10 मिनट तक। पहले ही अच्छा बोला 10-10 मिनट तक उड़ती थी, अब जो है ना बच्चा इसका निकला उसके बाद से लाए नहीं थे, तो जो है ना इसने उड़ना छोड़ दिया। गोलू की ट्रेनिंग में आपको दिखाता हूँ, वो देखें उड़ गया था, अच्छा उड़ गया था इस बारी में। तो देखते हैं कितने टाइम लगाते हैं अभी यहाँ पे फुल फ्लाई करने में, अभी तो बहुत थोड़ा थोड़ा उड़ रहा है, भाग रहा है ये तो तुमसे भाग रहा था। हाँ तो हाँ नई नई जगह ना, और फर्स्ट डे उसका, तभी तो इतना वो डर है ना। हफ्ते के अंदर अंदर क्या लगता है यहाँ पे उड़ना शुरू कर देगा? देखते हैं, हो सकता है उड़ना शुरू कर दे। वैसे तुमने कहा था तुम इसको बाइक पे उड़ाओगे, बाइक पे या यहाँ पे? पहले हाँ यहाँ पे पीछे पीछे लगाना शुरू हो ना, यहाँ पे भागेंगे फैसल उस्ताद, और फैसल उस्ताद के साथ साथ भागना चाहिए, फिर उसके बाद इसको बाइक पे लगाएंगे इंशाल्लाह। तो भोली को तो मैं बाइक पे नहीं लगाऊंगा, भोली तो मैं ऐसे ही उड़ाऊंगा। जाओ भोली जाओ, चलो जाओ जाओ, ये चली गई एकदम से स्पीड मारती है, और ये देखें हवा की वजह से रुक रही कितना है, जाओ चलो उड़ती रहो अभी। वो देखें ठापियां मार, वो मेरे पास आ गया गोलू, गोलू भी आ गया, भोलू भी आ गई, वो देखो कैसे आ रही है, वो बैठ गई मेरे कंधे पे, वो देखें बैठ गई, गोलू भी मेरे पास आ गया। मेरे पास क्यों आ गया? हवा बहुत तेज थी इसीलिए उड़ता उड़ता मेरे पास आ गया, इतना दूर से उड़ के आया, वो देखें वहां से मेरे पास आया यहाँ पे उड़ के, चना नहीं मिलेगा गलत जगह पे बैठ गया, गलत जगह पे बैठता तो इसको ट्रीट नहीं देनी होती, बिल्कुल जब सही जगह पे बैठेगा तो ही ट्रीट देंगे। फिलहाल मैं आपको आगे जाता हूँ और आगे जाके पौधे वगैरह भी दिखाता हूँ, मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है। 16-17 साल और ठापियां मार रहे यार ये तो माशाल्लाह से, हाँ खुशी के मारे ठापे मार रहे, बहुत टाइम बाद ना यहाँ पे जाके कोई तरक्की आती, काम हुआ है, पौधे वौधे लग रहे हैं, तो मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है, आपको भी जाके दिखाता हूँ। तो ये चेक करें माशाल्लाह, ये सारे पौधे लगा दिए हैं जो काम करने वाले भाई हैं हमारे, तो ये जो है ना सारे के सारे देखें बिल्कुल, अभी थैलियां यहाँ पे कचरा बहुत ज्यादा था, तो अब जो है पौधे लग रहे हैं इंशाल्लाह अब ये पौधों से कवर हो जाएगा पूरा। देखें ये सारे पौधे लगे हुए लाइन से, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ इतने सारे पौधे लगते हुए अपनी आंखों से, पहले मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा लग रहा है खेती बाड़ी हो रही है यहाँ पे। तो ये सारे जो है दरख्त बनेंगे, जो है ना बस ये दरख्त वगैरह बनेंगे, और जो है ना फिर हम वीडियोस वगैरह तो यहाँ भी बनाते, देखें खाद वाद रखी हुए, तो जो है ना वीडियोस बनाते हैं तो चलो थोड़ी सी जगह जो है ना मजेदार हो जाएगी, दरख्त वगैरह वैसे ही देख के ना दिल खुश सा हो जाता है। तो गोलू का फैसल साथ देखें ट्रेनिंग करा रहे हैं, और मैं कितना दूर आया हूँ, दूर से दिखाता हूँ आपको कैसी ट्रेनिंग लगती है, कोई बंदा जब कबूतर उड़ा रहा होता है नजर भी नहीं आ रहा फैसल उस्ताद का, गोलू बैठा हुआ है ब्लॉक पे, वो देखें और फैसल उस्ताद उसको बुला रहे हैं, देखते हैं जाता है नहीं जाता यहीं से ही, फिर मैं भोलू को भी उड़ाऊंगा। देखें बिल्कुल सामने आ गया फैसल उस्ताद की साइड पे, और ये उड़ के गया, वो चेक करें चला गया, फैसल उस्ताद पीछे जा रहे हैं और नीचे गिर गया। फैसल उस्ताद पीछे गए ना, फैसल उस्ताद ने कहा ज्यादा उड़ाऊंगा, तो इसी वजह से नीचे गिर गया, क्योंकि अभी ज्यादा उड़ नहीं पा रहा, तो मैं यहाँ से उड़ाता हूँ भोली को। चलो भोली तुम जाओ जाओ, चलो जाओ 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 जाओ, पहले की तरह उड़ ही नहीं हो तुम, वो चली गई, चेक करें कैसे ठापियां मारती हुई गई है। और देखें अब मैं यहाँ से जाऊंगा आगे आगे, मुझे ना यहाँ पे चलते हुए डर लग रहा है, इतने ज्यादा खड्डे हैं, और ये आ गई मेरे पास, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो उड़ो 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 उड़ो, नहीं उतरना नहीं है, और चली गई दोबारा से चली गई, वो चेक करें चली गई। तो अब जो है ना इसको उड़ने देते हैं, थोड़ी देर उड़े, ये पहले की तरह नहीं उड़ रही, पहले 10-10 मिनट उड़ती थी, अभी 10 सेकंड उड़ के वापसी आ रही है मेरे पास, तो अभी इसको उड़ाते हैं, वो देखें चली गई, वो चली गई, ये आ रही है, अब आ रही है, अब इसको दोबारा से नहीं उतरने दूंगा, चलो 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 चलो, नहीं उतरना नहीं उतरना नहीं है, चलो 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 चलो, नहीं उतरना नहीं है, चलो, वो चली गई दोबारा से, वो चेक करें जा रही है, और गोलू भी जा रहे, वो देखें फैसल उस्ताद के पीछे पीछे भाग रहे, यार अच्छी ट्रेनिंग चल रही है गोलू की भी, ये आ रही भोलू मेरे पास, सीधा सीधा मेरे पास आ रही है, चलो जाओ उड़ती रहो चलो उड़ती रहो, उतरना नहीं है, फैसल उस्ताद के पास जा रही है, वो देखो तुम्हारे पास आ रही है भोली,
उतरने नहीं देना इसको वरना इसकी भी आदत खराब हो जाएगी। देखें अच्छा उड़ रही है अभी तो, और गोलू को तुम फिटिंग करा रहे हो, गिर रहे नीचे थोड़ा ज्यादा नहीं भागा करो, ये आ गई आ गई, मैं भी भागता हूँ, चलो जाओ चलो जाओ चलो, आ गई मेरे पास आ गई। वो फैसल उस साथ मेरे पीछे ही भाग के आ गए, तुम मेरे पीछे ही भाग के आ गए एकदम। गोलू तुम्हारे पीछे उड़ के आया आया आया, अच्छी ट्रेनिंग चल रही है गोलू की भी। तो फैसल उस्ताद ने बिठा दिया गोलू को सामने और ये आया उड़ के, चेक करें। अभी तो ज्यादा नहीं उड़ा रही क्योंकि छोटा बेबी है, जब बड़ा हो जाएगा फिर इंशाल्लाह इसको ऐसा उड़ाएंगे ना। और है भी हाई फ्लायर, हाँ ये तो सही दबा के उड़ेगा, फिर तो दबा के उड़ना चाहिए वैसे भी क्योंकि हाई फ्लायर है। और बोलू को साथ लेके जाए ना तो अच्छी बात है, दोनों उड़ते रहे आसमान में, हमको क्या करना पड़ेगा फिर, उड़ा के बैठ जाओ यहीं पे और इंतजार करते रहो, इनका वापसी आएंगे ये। तो पहले भी हम लोग यही कहते थे, छोटू था जब फैसल उस्ताद का, और वो मेरे पास आ गया, नीचे ही गिर गया बेचारा, देखो नीचे गिर गया, हवा बहुत तेज है। लेकिन मेरे पास क्यों आ रहा है, ब्लैक कपड़े पहने हुए, इस वजह से मेरे पास आ रहा है। तो ये क्या बात है, तुमने भी इसको काले कपड़ों पे लगाया हुआ है। हाँ सही, फैसल उस्ताद भी ज्यादातर काले कपड़े पहनते, तो इस वजह से फैसल उस्ताद की जगह मेरे पास आ रहा है क्योंकि आज मैंने ब्लैक कपड़े पहने हुए। और बोलू की भी जो है ना आदत है कि वो ब्लैक कपड़े देख के ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, तो जो है ना इसीलिए मैं ब्लैक कपड़े पहन के आया हूँ। देखें ये बैठी हुई है बोली, तो जो है ना बोली तो मेरे पास ही आ रही है, लेकिन तुम्हारे पास भी कंफ्यूज हो रही है क्योंकि आज हम दोनों पहन के आए हुए कैप्स, तो कबूतर जो है ना थोड़े कंफ्यूज भी हो रहे हैं। थोड़ी देर और ट्रेनिंग कराने के बाद ना बोलू और गोलू को हम लोग वापसी लेके आ गए, तो अब जो है ना इनको कल वापसी लेके जाएंगे, रोज इनकी ट्रेनिंग कराएंगे। आज थोड़ा गोलू का इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था लेकिन फिर भी उड़ उड़ के आता, और बोलू का भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, तो बोलू को भी जो है ना दोबारा सही से ट्रेनिंग व्रेनिंग कराएंगे, तो जो है ना सेट हो जाएगी इंशाल्लाह, उम्मीद है ये भी। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर आया और मैं देख रहा हूँ सुबह में जो हमारी कबूतरी उड़ी थी ना माशाल्लाह से वो वापस आ गई, ये चेक करें ये बैठी हुई, मैं अभी आया हूँ तो है ना ये छत में ही घूम रही थी सुबह जब हम लोगों ने कबूतर खोले थे ना, थोड़ी देर ये छत पे बैठी और फिर जो है ना मस्ती में उड़ गई थी और बहुत दूर चली गई थी, इतना दूर दूर उड़ रही थी और बहुत ऊपर उड़ रही थी। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं ऊपर आया हूँ कबूतर देखने के लिए, तो मैंने देखा ये कबूतरी यहाँ पे बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चले आपको भी बताता हूँ कबूतरी हमारी, यार ये वापसी आ गई, इतनी प्यारी कबूतरी है ना सियालकोटी कबूतरी, तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगती थी, हमने इसको उड़ाया नहीं था, खुद ही उड़ गई थी, तो खुद ही उड़ गई थी और खुद ही ये वापसी भी आ गई, तो लग रहा है कि हमारी छत इसने देख ली है। आई भी छत पे खुद ही उतरी थी जब हमने पकड़ी थी, और आज सुबह में खुद ही उड़ के वापसी से आ भी गई, तो अच्छी नस्ल की कबूतरी है। तो ये देखें ये वापसी आ गई, फिलहाल और जो कबूतर पकड़े थे ना उनके परवर भी खोलेंगे, लेकिन वो कल की वीडियो में या परसों की वीडियो में खोल देंगे। तो फिलहाल जो है ना ये कबूतरी हमारी देखें ये वापसी आ गई है, मेरे को इतनी खुशी हुई ना इसको देख के कि वापसी आई भी है। आज की वीडियो को करते हैं यहीं भी एंड, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।